एग्जाम्पल पढ़ेंगे ट्राईसैल ग्लिसरॉल जो कि हमने लेक्चर सेवन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ट्राईसैल गिलेस्ट्रॉल्स को जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिस होती है तो स्टेप वाइज मैनर में होता है तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करके ट्राईसेल गलिस्ट्रॉल्स ब्रेक होके वहाँ पे फ्री फैटी एसिड्स बन जाते हैं यानी हमारे फैटी एसिड जो है वो बाहर निकल जाते हैं और जो हमारा ग्लिसरॉल है वो अलग हो जाता है सेम प्रोसीजर जब हम आ, हमारी बॉडी की बात करेंगे जो गेस्टो इंटस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है दैट्स कॉल्ड द लाइपेस तो जब ये गैस्ट्रो एंटस्टाइनल ट्रैक यानी ड्योडोनम की बात करेंगे वहाँ पे जब लाइपेस एक्ट करता है जीजनम की एलियम की सीकम की जहाँ कहीं पे भी लाइपेस होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा डाइजेशन फैट्स का यही एक्शन हमारे एडिपोस टिश्यू में होता है जहाँ पे एडिपो सेल्स के अंदर हमारा स्टोरेज होता है ट्राइग्लिसराइड्स का तो लाइपेस एक्ट करेगा तो मोबिलाइज करेगा फैट को यानी फैट्स को बाहर भेजेगा जब हमें एनर्जी की नीड होती है क्योंकि हमारा ये फैट रिजर्व है तो वहाँ पे भी लाइपेस का एक्शन है तो क्या होगा कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स जो ये हमारा ग्लिसरॉल है इस पर तीन हमारे फैटी एसिड्स अटैच है तो जब इस पर पे लाइपेस एक्ट करेगा तीन वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज करके वहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा यानी ब्रेकेज ऑफ कोवल एंड बॉन्ड्स बाई मीनस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल हमारा ग्लिसरॉल अलग हो गया और फ्री फैटी एसिड्स अलग हो गए दूसरी प्रॉपर्टी है सपोनिफिकेशन सेपोनिफिकेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस फिर से हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेक एज कॉल एंड बॉन्ड किसकी ट्राइसाइल गिलिस्ट्रॉल की हाइड्रोलिसिस बाय एल्कली एल्कली मींस बेस बेस को यूज करके इनकी हाइड्रोलिसिस हो गई जैसे एग्जांपल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल इस पे जो है एल्कलाइन मीडियम में इसको रखा तो एल्कलाइन मीडियम में इसकी सेपॉनिफिकेशन यानी सोप फॉर्मेशन की रिएक्शन हो जाती है तो ट्राईसाइल ग्लिस्ट्रॉल में क्या हो जाएगा वहाँ पे ग्लिसरॉल अलग हो गया और हमारे सोप्स बन गए एग्जाम्पल ट्राईसाइल ग्लिसरॉल जब इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है हमने ये बेस डाली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने ट्राईसाइल ग्लिस्ट्रॉल को क्या किया हमारी सेपॉनिफिकेशन कराई वहाँ पे ग्लिसरॉल अलग हो गया और जो है हमारा फैटी एसिड और इसके साथ साथ साइड में सोडियम अटैच हो गया सो दिस इज अ सोप तो ये सोडियम स्टीरिएट सोडियम पामिटेट वगैरह वगैरह टाइप के सोप्स बन जाते हैं सो द बेसिक प्रोसेस इज लाइक दिस इज़ अ ट्राई एसाइल ग्लिस्टरॉल यहाँ पे तीन फैटी एसिड अटैच हुए हैं पहले से ही सो दिस इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इस पे जब हम एल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो हमारा ग्लिसरॉल जो है वो निकल जाता है ग्लिसरॉल अलग हो गया ग्लिसरॉल जब अलग हो गया वहाँ पे फैटी एसिड्स बचे वो फैटी एसिड की जो चेन्स है वहाँ पे लास्ट में सी ओ ओ जो है ये रह जाता है और इस एच के बदले सोडियम डाला गया सो दिस इज़ द सोडियम पामिटेट या yeah, कोई सा भी फैट एसिड होगा तो वो टाइप की सोप बनेगी नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज रैनसिडिटी रैनसिडिटी जस्ट मीन्स द डेटोरेशन यानी खराब हो जाना जब फैट्स या ऑयल्स खराब हो जाते हैं वी कॉल इट रैंसिड तो जब रैनसिड हो जाते हैं खराब हो जाते हैं सो वट इज दैट डू दैट रिएट्स एन अनप्लीजेंट ओडर और जो हमारा अनसेचूरेटेड फैट होता है अनसेचुरेड फैट मीन दैट फैट विच हैज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स यानी जो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है वहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा दैट्स द अनसेचुरेशन जहाँ कहीं पे भी अनसेचुरेशन होगी जिन फैट्स में ज़्यादा सेसेप्टेबल है किस चीज़ के रैंसिडिटी के यानी बेसिकली ऑयल्स की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा अनसेचुरेशन उनमें होता है तो वो उनकी ज़्यादा रैंसिडिटी हो जाती है ये कब होता है वेट डज इट ऑकम इट ऑकर्स वन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज टू एयर एयर में रखा खोल के मॉइस्चर दिया लाइट दी बैक्टीरिया आ गए तो इन्होंने मौज मचानी है यानी इनको खराब कर रहा है फ्रेश ऑयल को रैंडसिल बनाना ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जब आ जाते हैं इनकी पार्शल हाइड्रोलिस कराता है कौन बैक्टीरियल एंजाइम या इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिस हो जाती है जब पार्शल हाइड्रोलिस हो जाती है वी कॉल इट हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी और जब कंप्लीट हो जाती है तो वी कॉल इट ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी अब जो ये हमारा रैंसिड ड्राइसाइल ग्लिसरॉल है इसकी एक अनप्लीजेंट ओडर होता है तो ये किस वजह से होता है इसमें क्या क्रिएट हो गया वो हम समझेंगे इसमें जो है हमारा ये शॉर्ट चेन जो है हमारे एल्डिहाइड्स हाइड्स है या की है ये प्रोड्यूस हो गया या फ्री फैटी एसिड्स या डाई कार्बोजाइलिक एसिड ये सब प्रोड्यूस हो गए सब क्रिएट हो गए इसकी वजह से वो ओडर आ जाता है और जो रैंसिड प्रोडक्ट्स होते हैं ये जो खराब प्रोडक्ट्स होते हैं सो दे आर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन दे आर टॉक्सिक फॉर ह्यूमन हेल्थ कंजन देसिक एंटी ऑक्सीडेंट्स का कॉन्सेप्ट वो सबस्टेंट्स जो प्रिवेंट करे रैंसिडिटी को जो बचाए रैंसिडिटी से उनको हम एंटी कहेंगे ये जो सबस्टेंस है इनके ट्रेस अमाउंट एड किए जाते हैं हमारे फूड्स में हमारे ऑयल्स में हमारे

ये जब ऐड किए जाते हैं हमारे फूड्स में दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव यानी जिन फूड्स में हमारा एंटी ज़्यादा होगा सो दे विल बी हेल्दी फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड दोज विच हैव रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दोज विच हैव फ्री रेडिकल्स तो वो डिजीज कॉज कराएंगे हमारे अंदर हमारे सेल्स के अंदर इन विवो वहाँ पे लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाती है इन सेल्स लिपिड अंडर गोज ऑक्सीडेशन लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है सेल के अंदर होता है जहाँ जहाँ पे भी हमारा लिपिड होगा हमारा फैट होगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है जब ये ऑक्सीडेशन हो जाती है वहाँ पर ऑक्साइड्स या फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो गए फरकसाइड्स और फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें ये टिश्यू डैमेज कराते हैं जब टिश्यू डैमेज हो गया तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है एजिंग कराते हैं कैंसर कराते हैं एथिरोसक्लरोसिस कराते हैं जैसे ये एक फ्री रेडिकल क्रिएट हो जैसे ओ एच नेगेटिव वगैरह हाइड्रोक्साइड या ओ टू नेगेटिव फ्री रेडिकल जब क्रिएट हो गए तो ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी लिपिड जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के ये जो सेल का आउटसाइड है ये सेल के इनसाइड है तो ये इसकी परमेबिलिटी को ब्रेक करता है तो हमारा सोडियम जो सेल के बाहर ज़्यादा होता है वो अंदर आएगा और जो माइटोकॉन्ट्री है उसको भी डैमेज करेगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डी है उसको भी डैमेज करेगा जो मेम्ब्रेन है उसको भी डैमेज करेगा जो सेल के अंदर प्रोटीन्स एनजाइम्स वगैरह काम करे उस मशीनरी को भी डिस्ट्रॉय करें यानी बहुत ज़्यादा तबाही मचाएंगे तो फ्री रेडिकल्स बहुत खतरनाक चीज़ें हैं और जो ये हमारे प्रॉक्साइड्स है ये बहुत खतरनाक चीज़ें होती है फॉर्चुनेटली आ सेल्स हैज़ वाइटामिन ई और यूरेट एंड सुपर सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेस वगैरह ये एंजाइम ये जो है हमें जो है बचाते हैं ये प्रिवेंट करते हैं लिपिड प्रॉक्सीडेशन जिसकी वजह से हमारी सेल की लाइफ बढ़ जाती है Thank you so much for joining me. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoy it, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.